Hello everyone. In this tutorial, we will learn about pattern matching algorithm. In this topic, we will cover two algorithms, and in this particular video, we will discuss first algorithm, and in the next video, we will discuss our second algorithm. So first of all, what is pattern matching? सी बहुत बार आपने देखा होगा, अगर एक बहुत बड़ी आपके पास पीडीएफ वर्ड फाइल या कुछ भी है, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है, और उसमें आपको एक पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है. सो जनरली हम कंट्रोल एफ, हमारी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ, साइमल्टेनियसली दोनों कीज प्रेस करते हैं और एक सर्च डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाता है. आप ट्राई कर सकते हो, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें आप कंट्रोल एफ प्रेस करोगे तो आपका सर्च डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर आप मेन्यू ऑप्शन में से भी सर्च डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो. नाउ सर्च डायलॉग बॉक्स में आप जो भी वर्ड लिखोगे, जो भी आपको सर्च करना है, जो भी पैटर्न आपको ढूंढना है, वो पूरी फाइल में चेक करेगा कि वो कहाँ है, और वो पैटर्न आपको हाईलाइट कर देगा जहां भी वो मेंशनड है. राइट, ये हमने यूज किया है. मोर ओवर हम व्हाट्सएप में भी, हमारे पास ऑप्शन होता है सर्च करने का. आपने किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अपनी चैट ओपन की हुई है, सपोज आप प्रीवियस चैट में से कुछ भी सर्च करना चाह रहे हो, अब आपको याद नहीं है वो कोई पर्टिकुलर चीज कहाँ है, अगर आपको एक कीवर्ड भी याद है आप उसको सर्च में डालोगे और वो पूरी चैट में से सर्च कर देगा कि वो वर्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है. राइट, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज पैटर्न मैचिंग. What will be the definition? Searching a particular pattern or word in a text or string. Okay? For example, suppose हमारा text है Jumbo is jumping in the water. So this is a text or string. Suppose हम उसको T से represent कर रहे हैं. Okay? Now जो pattern हमें search करना है इस पूरी string ये सेंटेंस में से, डेट इज जम्प, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग वेरिएबल पी. सो इन दिस होल सेंटेंस वी हैव टू सर्च दिस पर्टिकुलर वर्ड डेट इज जम्प. सो वो हमें कहाँ मिलेगा जम्प? इन आर थर्ड वर्ड, जम्पिंग में हमारा वर्ड यूज हो रहा है जम्प. राइट, सो दिस पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम विल गिव अस द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट करेक्टर ऑफ दिस पैटर्न. से पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम हमें एक इंडेक्स रिटर्न करेगी, जहां भी जंप वर्ड हमें मिला है हमारे टेक्स्ट में, उसमें जंप में जे की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है. नाउ अगर आप काउंट करोगे, 1 2 3 नंबरिंग करते हैं अगर हम सारे करेक्टर्स को, देन यू कैन सी जंप का जो जे है उसकी नंबरिंग होगी 10. सो एल्गोरिदम हमें क्या रिटर्न करेगी? दिस इंडेक्स वैल्यू 10. जो भी हमें पैटर्न सर्च करना है वो टेक्स्ट में कहाँ आया है, और उस पैटर्न का फर्स्ट करेक्टर जहां भी लाए करेगा वो इंडेक्स वैल्यू हमें मिलती है. सो हमें मिलेगा 10. ओके, सो दिस पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम विल रिटर्न द पोजीशन ऑफ फर्स्ट करेक्टर इन द मैश्ड सीक्वेंस. सो ये बात की हमने बेसिक की कि क्या होता है पैटर्न मैचिंग, हमारी एल्गोरिदम हमें क्या रिटर्न करेगी. नाउ वो एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगी, उसमें हम दो एल्गोरिदम्स करेंगे. सबसे पहले आज हम करेंगे फर्स्ट एल्गोरिदम. सो फर्स्ट एल्गोरिदम क्या करती है, जितने भी करेक्टर्स हैं हमारे पैटर्न में, जो हमने जंप लिया था पैटर्न जो हमें सर्च करना है, उसको 1 by 1 टेक्स्ट के सारे करेक्टर से मैच करती है. सो मैच ईच करेक्टर ऑफ पैटर्न पी विद ईच करेक्टर ऑफ टेक्स्ट टी. कैसे करती है वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. सपोज हम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जम्बो इज जम्पिंग इन द वॉटर. अब सारे करेक्टर्स को हमने एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया है, और इंडेक्स हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, लाइक जे को हमने नंबरिंग दे दी 1, यू को हमने दिया 2, एम को दिया 3 एंड सो ऑन. लास्ट में जो फुल स्टॉप होगा उसको नंबरिंग देंगे हम 30. तो जितने भी करेक्टर्स है सबको नंबरिंग जाएगी,
ऑलवेज टू रिमेम्बर, जो भी हमारा वाइट स्पेस होता है, जो भी दो वर्ड्स के बीच में स्पेस है, उसको भी हम नंबरिंग प्रोवाइड करते हैं. सो इस वाइट स्पेस को हम नंबर प्रोवाइड करेंगे 6. ओके, एंड लास्ट में फुल स्टॉप को भी नंबर देना है. सो ये हुआ हमारा टेक्स्ट टी. नेक्स्ट पैटर्न हमारा सेम है, जंप जो हमें सर्च करना है. नाउ ये पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगी, जितने भी करेक्टर्स है सबको वन बाय वन मैच करेगी. व्हाट डज इट मीन? जंप में हमारे पास 4 करेक्टर्स हैं. सो टेक्स्ट में से 4 करेक्टर्स को लेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे. कंपैरिजन ऑपरेशन याद है आपको, जो हमने स्ट्रिंग ऑपरेशंस में किया था. वन बाय वन करेक्टर को मैच करना है, और कहीं भी हमें मिसमैच मिलता है तो आगे हम मैच नहीं करते हैं और वहीं से रिटर्न कर देते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट के स्टार्टिंग के 4 करेक्टर्स लेंगे हम, क्योंकि हमारे पैटर्न की लेंथ 4 है. उसको हम मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे जंप के साथ. कैसे कंपेयर करते हैं? फर्स्ट करेक्टर को करेंगे सबसे पहले कंपेयर. सो जे को जे के साथ कंपेयर किया, ओके दोनों सेम है. नेक्स्ट करेक्टर पे गए, यू को यू से कंपेयर किया, अगेन दोनों सेम है, ओके. मूव टू नेक्स्ट करेक्टर, एम एम भी सेम है, ओके वेरी गुड. लास्ट में हमारे पास बी एंड पी. नाउ बी एंड पी दोनों मिसमैच हो जाएंगे, और जिस भी पॉइंट पे मिसमैच होएगा हम वहां से नेक्स्ट 4 करेक्टर्स पर मूव करेंगे. कैसे मूव करेंगे? इट विल बी लाइक दिस. नाउ हमने देख लिया स्टार्टिंग के 4 करेक्टर्स लिए टी में से, टेक्स्ट में से, वो मैच नहीं किए तो हम नेक्स्ट 4 करेक्टर्स लेंगे, ओके. सो शुरू में लिया हमने 1 to 4 इंडेक्स, उसके बाद हम लेंगे 2 to 5. 4-4 की लेंथ में लेंगे, क्योंकि जो पैटर्न हमें सर्च करना है उसकी लेंथ 4 है. देन हम लेंगे 3 to 6. ऐसे वन बाय वन हम सब स्ट्रिंग बनाएंगे और उसमें से मैच करके देखेंगे. इट विल बी लाइक दिस, ओके. सो नेक्स्ट हमने यू एम बी ओ, ये हमने टेक्स्ट में से उठाया, और पैटर्न में हमारे पास सेम था जंप. अब दोनों को कंपेयर करेंगे. अब जैसे ही दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले दोनों के फर्स्ट करेक्टर को कंपेयर करेंगे. नाउ यू कैन सी दोनों मिसमैच हो रहे हैं. सो आगे हम कंपेयर नहीं करेंगे, जहां भी मिसमैच हो जाएगा वहीं हम स्टॉप कर देंगे, एंड अगेन नेक्स्ट 4 करेक्टर्स पर मूव करेंगे. नाउ नेक्स्ट 4 करेक्टर्स हमारे क्या है? एम बी ओ एंड स्पेस. ये स्पेस भी हमारा एक करेक्टर में काउंट होगा, ओके. अगेन कंपेयर करेंगे, एम एंड जे दोनों मैच नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट हम 4 करेक्टर्स पर मूव करेंगे. सो सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे और वन बाय वन करेक्टर्स को कंपेयर करेंगे. ऑलवेज टू रिमेम्बर, जिस भी पॉइंट पे दोनों इक्वल नहीं है करेक्टर, हम नेक्स्ट 4 करेक्टर्स या नेक्स्ट सब स्ट्रिंग पर मूव कर जाएंगे. अगेन बी एंड जे इक्वल नहीं है, सो नेक्स्ट पे गए, एंड पेशेंस के साथ वन बाय वन मैच करके देखते रहेंगे जब तक कि हमारे सारे करेक्टर्स मैच नहीं होते पैटर्न के टेक्स्ट के साथ. नाउ सी, यहाँ हम 9 पे पहुंच गए इंडेक्स नंबर. हियर यू कैन सी हमारे पास है स्पेस और पैटर्न का फर्स्ट करेक्टर है जे. अगेन दोनों मैच नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे मूव किया. अब मैच करके देखते हैं, जे को जे से मैच किया, ओके यहाँ पर मिसमैच नहीं है. तो अब हम नेक्स्ट 2 करेक्टर्स को मैच करेंगे. यू को यू से मैच किया, ओके दोनों सेम है. एम को एम से मैच किया, गुड. एंड लास्ट पी को पी से मैच किया. नाउ सारे हमारे इक्वल हैं, सेम करेक्टर्स हैं. सो यहां हमें हमारा पैटर्न मैच मिल जाएगा विद टेक्स्ट. नाउ ये एल्गोरिदम रिटर्न क्या करेगी? टेक्स्ट में जहां भी हमें जंप मिला उसमें जे की, ये जो फर्स्ट करेक्टर है जंप का, उसकी पोजीशन क्या है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, एंड दैट इज 10, राइट? सो हमें ये रिटर्न करेगी वैल्यू 10. डन, सिंपल सा है. वन बाय वन हमें मैच करना है. सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? 4-4 की सबस्ट्रिंग बना रहे हैं. सबसे
पहले सब स्ट्रिंग थी हमारी JUMB, उसको हमने मैच किया जंप के साथ। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट फोर करेक्टर्स लिए, उसकी एक सब स्ट्रिंग बनाई, और सेम वे हम फोर फोर करेक्टर्स की सब स्ट्रिंग बना रहे हैं और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं विद जंप, राइट। यही प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, फोर फोर करेक्टर्स की सब स्ट्रिंग हम टेक्स्ट में से ले रहे हैं और उसको जंप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लाइक जो हमने फर्स्ट कंपेयर किया था वो था हमारे पास JUMB, उसके बाद नेक्स्ट फोर करेक्टर्स लिए UMBO, फिर नेक्स्ट फोर लिए, ये सारी हमारी क्या है सब स्ट्रिंग्स। ओके, नाउ कैन यू टेल मी हमारी मैक्सिमम सब स्ट्रिंग्स कितनी होगी। सपोज ये जंप हमारा टेक्स्ट में था ही नहीं, ओके कुछ और सेंटेंस था जिसमें जंप नहीं था, उस केस में भी हमारी एल्गोरिदम ऐसी वर्क करेगी, वन बाय वन मैच करती रहेगी सबके साथ और लास्ट में उसे पता चलेगा ओहो ये पैटर्न तो है ही नहीं। सो आपने देखा हो आपके पास, अगर आप कभी भी सर्च करते हो और कोई ऐसा वर्ड सर्च कर रहे हो जो टेक्स्ट में नहीं है, सो आपके पास आउटपुट में आता है पैटर्न नॉट फाउंड और वर्ड नॉट फाउंड, राइट। सो आप वीडियो पॉज करो, काउंट करो कि हमारे पास मैक्सिमम कितने सबस्ट्रिंग बनेगी इस केस में। जैसे फर्स्ट सबस्ट्रिंग होगी हमारी JUMB, देन हमारी बन गई UMBO, नेक्स्ट हमारी बनेगी MBO स्पेस, ऐसे फोर फोर के बंच में क्लस्टर में हमें बनानी है सबस्ट्रिंग्स। सो हमारी मैक्सिमम सबस्ट्रिंग्स कितनी होगी इन दिस एग्जाम्पल, जस्ट पॉज द वीडियो, काउंट देम, इट इज वेरी इजी। ओके, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एंड व्हाट इज दैट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टेक्स्ट टी, जो ये हमारा टेक्स्ट है, माइनस लेंथ ऑफ पैटर्न पी, जो हमारा पैटर्न है जंप, प्लस वन। लाइक अगर हम ये एग्जांपल की बात करें, इसमें हमारे टेक्स्ट की लेंथ है 30, क्योंकि 30 करेक्टर्स है इसमें, माइनस लेंथ ऑफ पी, पैटर्न की लेंथ है हमारी 4 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 27। अगर आपने पॉज करके वीडियो काउंट किया है तो आपका काउंट भी 27 आया होगा, इफ नॉट देन आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स विल बी 27। सो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, सपोज टेक्स्ट की लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग टी, पैटर्न की लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग स्मॉल पी एंड प्लस वन। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स विल बी इक्वल्स टू टी माइनस पी प्लस वन। इतना क्लियर है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारी एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रही है। अब हम इसकी एल्गोरिदम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, एग्जाम्पल सेम है हमारा। नाउ एल्गोरिदम के स्टेप्स करने से पहले कुछ जो हम वेरिएबल्स लेते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पी, कैपिटल पी से हम डिनोट कर रहे हैं हमारा पैटर्न विद लेंथ स्मॉल पी, हम अज्यूम कर रहे हैं जो हमने पैटर्न लिया है पी उसकी लेंथ है स्मॉल पी। ऐसे ही कैपिटल टी डिनोट कर रहे हैं हमारा टेक्स्ट जिसके अंदर से हमें कुछ सर्च करना है और उसकी लेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं यूजिंग स्मॉल टी, सिंपल है। और ये एल्गोरिदम हमें क्या रिटर्न करेगी, इंडेक्स ऑफ पैटर्न पी इन टेक्स्ट टी, ठीक है। सो लेट अस सी हमारी एल्गोरिदम क्या बनेगी। नाउ सी, देखो इसमें हमारे पास दो लूप्स यूज होंगे, फर्स्ट लूप होगा जितने भी हमारी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स बनेगी। सब स्ट्रिंग्स कौन सी है, फोर फोर के कॉम्बिनेशन में हमने बनाई थी अभी, जो हमने एनिमेटेड एग्जाम्पल में भी देखा था, एक विंडो बनाई थी हमने फोर करेक्टर्स की, बिकॉज हमारे पैटर्न में फोर करेक्टर्स थे एग्जाम्पल में, सो उसमें हमने चार चार की सब स्ट्रिंग्स बनाई थी, राइट। सो हमारी टोटल कितनी सब स्ट्रिंग्स बनी थी, अभी हमने फॉर्मूला से किया था लेंथ ऑफ टेक्स्ट टी माइनस लेंथ ऑफ पैटर्न पी प्लस वन। ओके, सपोज उस फॉर्मूला को हम डिनोट कर रहे हैं यूजिंग अ वेरिएबल दैट इज मैक्स। सो मैक्स हमारा डिनोट कर रहा है मैक्सिमम कितनी सब स्ट्रिंग्स बनेगी हमारी, ठीक है।
एक लूप हमारा चलेगा नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमने फर्स्ट सब स्ट्रिंग उठानी है और फिर हम पैटर्न को उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं, फिर हम सेकंड सब स्ट्रिंग उठाएंगे, अगेन उसको हम पैटर्न के साथ कंपेयर करके देखेंगे, राइट। एक और लूप लेंगे, इनर लूप, वो किस लिए कर लेंगे, जो हमने एक सब स्ट्रिंग उठाई, कोई भी सब स्ट्रिंग हमने ली, उसको जब हम 1-to-1 मैच करके देखेंगे, कंपेयर जो करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेशन के लिए हमने एक फोर लूप यूज किया। ऐसे क्या था, हमने सबसे पहले जे को जे के साथ, यू को यू के साथ, एम को एम के साथ, एंड लास्ट में किया था बी को पी के साथ। ये जो मैचिंग की है, ये जो चार हमने कंपैरिजन किए हैं, उसके लिए भी हम एक फोर लूप यूज करेंगे, वो बनेगा हमारा इनर लूप, एंड सब स्ट्रिंग्स के लिए लूप बनेगा आउटर लूप। आउटर लूप हमारा कितनी बार चलेगा, जितनी भी हमारी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स होगी, और मैक्सिमम कितनी सब स्ट्रिंग्स होगी वो हम डिनोट कर रहे हैं यूजिंग वेरिएबल मैक्स। आउटर लूप हमारा चलेगा 1-to-max तक, वो हम एग्जीक्यूट करेंगे यूजिंग वेरिएबल i। i वेरिएबल जो है वो क्या डिनोट कर रहे हैं, दैट इज पॉइंटिंग टू योर इंडेक्स नंबर, जो आपने ऊपर नंबरिंग लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो हमारी आएगी i के अंदर, ओके। एंड ये हो गया हमारा आउटर लूप, कितनी बार चलेगा, जितनी हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी। अब बात करते हैं हमारे इनर लूप के लिए, j हमने वेरिएबल नेम लिया है, j इक्वल्स टू 1-to-p, हियर p है हमारे पैटर्न की लेंथ, इन दिस एग्जाम्पल p इज 4, बिकॉज जंप में 4 कैरेक्टर्स हैं, ओके। j किसको डिनोट कर रहा है, J is denoting the index of pattern jump. So कितने characters हमें match करने हैं, 4 characters. So J हमारा 1-to-4 तक चलेगा, और अगर हम कोई भी और pattern ले रहे हैं, so 1-to-p, ये हमने generalize कर दिया, right? So आपको सिर्फ इतना याद रखना है, outer loop है हमारी एक substring find out करने के लिए, ठीक है, और इनर लूप है उस सब स्ट्रिंग को पैटर्न के साथ मैच करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, फाइन। अब हम इनर लूप में कर क्या रहे हैं, अगर हमारे दो करेक्टर्स मैच कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट दो करेक्टर्स को मैच करेंगे, जैसे जे और जे को मैच किया, जैसे हम एग्जांपल लिया जे यू एम बी, ये हमें सब स्ट्रिंग मिली और इसको हमें मैच करना है हमारे पैटर्न से, डेट इज जे यू एम पी, राइट। सो फर्स्ट दो करेक्टर्स को मैच करके देखेंगे, अगर वो सेम है तो हम नेक्स्ट दो पे जाएंगे, एंड सो ऑन। बट अगर किसी भी पॉइंट पे वो मैच नहीं कर रहे हैं, लाइक बी एंड पी दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इफ पीजे इज नॉट इक्वल्स टू टी ऑफ आई प्लस जे माइनस वन, गो टू स्टेप 5। स्टेप 5 हमारा क्या कहता है, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। नाउ आई किसको पॉइंट कर रहे हैं, हमारी सब स्ट्रिंग को। इसमें वो क्या करेगा, इस सब स्ट्रिंग जो हमने जे यू एम बी लिया है, इसको छोड़ देगा और एक नेक्स्ट सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करेगा, और नेक्स्ट सब स्ट्रिंग हमारी क्या बनेगी, यू एम बी ओ, ठीक है। फिर वो अगेन जंप को यू एम बी ओ के साथ कंपेयर करेगा, यही कर रहे हैं हम, और यही हमारी एल्गोरिदम डिनोट कर रही है। अगर किसी भी पॉइंट पे दो करेक्टर्स मैच नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट सब स्ट्रिंग के पास जाएंगे, वो कैसे जाएंगे, आई में आई प्लस वन करके, ठीक है, हमारा आउटर लूप के पास आ जाएगा। बट इन केस अगर जितने भी करेक्टर्स हैं जो हमारी सब स्ट्रिंग हमने बनाई है, 4 करेक्टर्स की एक जो विंडो बनाई है, वो मैच करती है हमारे पैटर्न के साथ, लाइक जो हमारा जंपिंग में जंप है और जो हमारा पैटर्न है जंप, वो दोनों मैच करेंगे सारे करेक्टर्स, कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं है जो मैच नहीं करेगा किसी भी पॉइंट पे। अगर सारे करेक्टर्स मैच करते हैं, देन वी विल गो टू स्टेप 4, एंड व्हाट इज दैट, ये एल्गोरिदम इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगी, वो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, आई, एंड एग्जिट। एग्जिट का मतलब है बस अब इस एल्गोरिदम में हमें आगे मूव नहीं करना है। तो यहां हमारा पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम सक्सेसफुल हो गई है,
जो पैटर्न हमें सर्च करना है वो मिल गया है, वो किस पोजीशन पे मिला है, आईएथ पोजीशन पे, ठीक है। एंड इन दिस एग्जांपल दैट आईएथ पोजीशन विल बी नंबर 10। ओके, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जस्ट पॉज द वीडियो, जो भी एल्गोरिदम्स में स्टेप्स दिए हुए हैं उसमें वैल्यूज पुट करके एग्जीक्यूट करके देखो और आपको सेम आंसर मिलेगा, राइट। बट ऐसा भी पॉसिबल है जो हम सर्च कर रहे हैं वो है ही नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा? नाउ जितनी भी आई की वैल्यूज है वो सारी यूज हो गई है, आई हमारा मैक्स से ग्रेटर हो गई है वैल्यू, जो हमारा आउटर लूप है वो एग्जिट हो गया है और हमारा सक्सेस वाला पॉइंट स्टेप नंबर 4 नहीं आया क्योंकि हमें पैटर्न मिला नहीं। इन दैट केस अगर हम आउटर लूप से एग्जिट करते हैं देन हम इंडेक्स की वैल्यू कर देंगे 0, दैट विल डिनोट दैट दिस पैटर्न एल्गोरिदम इज नॉट एबल टू फाइंड दैट पैटर्न इन द टेक्स्ट, पैटर्न नॉट फाउंड और वर्ड नॉट फाउंड। ओके, क्योंकि अगर हमारा सक्सेसफुल होगा तब तो हम बीच में ही एग्जिट कर जाएंगे, राइट, लूप से, लूप पूरा चलेगा ही नहीं। बट अगर लूप पूरा चल गया है और तब भी हमें पैटर्न नहीं मिला तो हमें पता चल जाएगा ओके इस टेक्स्ट में वो पैटर्न है ही नहीं। ओके, सो दिस वॉज आर फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम। आई होप आपको समझ आ गई है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, एल्गोरिदम को थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रही होगी। जस्ट डू वन थिंग, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो और उसमें कोई भी एक छोटा सा पैटर्न सर्च करके देखो, जब आप उसको खुद से एग्जीक्यूट करके देखोगे तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज योर होमवर्क, एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, एक छोटा सा पैटर्न लो, 2-3 करेक्टर्स का पैटर्न ले लो, 9-10 करेक्टर्स का कोई भी टेक्स्ट ले लो, उसको वो सर्च करके देखो। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिदम। नाउ अगर आपने कॉम्प्लेक्सिटीज के टॉपिक्स किए हैं तो आप बहुत इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि ओके इसमें हम 2 लूप्स यूज कर रहे हैं और दोनों लूप्स नेस्टेड हैं, राइट, 1-1 का इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। सो इन वर्स्ट केस इट्स कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। ओके, क्लियर हुआ? मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। सपोज टेक्स्ट की लेंथ थी हमारी एन, ओके, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स इन टेक्स्ट इज एन, एंड सपोज जो पैटर्न हमें सर्च करना है वो इस तरह से बना हुआ है कि जो भी हमारी सबस्ट्रिंग्स बन रही हैं, ये हमारी फर्स्ट सबस्ट्रिंग बनी, उसमें लास्ट वाला करेक्टर छोड़ के बाकी सारे करेक्टर्स मैच कर रहे हैं, बस लास्ट वाला नहीं कर रहा। देन अगेन हमने एक और सबस्ट्रिंग बनाई, यही करते हैं, अगर फर्स्ट सबस्ट्रिंग में मैच नहीं होता तो हम नेक्स्ट सबस्ट्रिंग पे जाते हैं, उसमें भी सेम हो रहा है, स्टार्टिंग के सारे करेक्टर्स मैच कर रहे हैं बस लास्ट वाला करेक्टर है वो मैच नहीं कर रहा। सपोज ऐसा कोई हमारा एग्जाम्पल है, ओके, या सपोज हाफ पोर्शन मैच कर रहा है, हाफ पोर्शन मैच नहीं कर रहा, सो इनर लूप जो है वो भी हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बार बार पूरा पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वो हमारा बनेगा वर्स्ट केस। और हम बिग ओ नोटेशन की बात कर रहे हैं तो हम उसमें एक ऐसा ही केस लेते हैं जिसमें हमारा मैक्सिमम टाइम लगेगा, सो दैट विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पिंग मी एनी टाइम। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल।